हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए जो ऐसी वीडियोस देखना पसंद करती हैं, चाहे वो बलून के साथ फन हो या बलून से रिलेटेड डेकोरेशन हो। तो चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। और आज का वीडियो मैंने उठाया है मेरे बचपन से। जब हम बचपन में छोटे थे तो 2 रुपए के 1 रुपए के बलून्स आते थे और उसमें नीचे बड़ी सी डंडी लगी होती थी, ऊपर किसी में एप्पल शेप बलून होता था तो किसी में नॉर्मल बलून होता था। आपने भी ज़रूर देखा होगा, अगर आप 90s किड्स हैं तो आपने भी देखा होगा। आजकल अभी भी मार्केट में मिल ही जाते हैं, आज के टाइम में भी मिल ही जाते हैं। तो चलिए उसको घर पे बनाने की कोशिश करते हैं और एंजॉय करते हैं और बनाने के बाद देखते हैं उनको फोड़ा जाएगा या नहीं फोड़ा जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और हाँ, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और नई नई वीडियो लाने के लिए मैं प्रेरित होती हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये हमारे पास एक प्लेट है और इसमें ऐसा प्रिंट बना हुआ है, इसको मैं फुलाती हूँ और जो इससे बांधते हैं ना वो डंडा वाला, वो ये मेरे पास बलून है। तो इसमें से अभी हम कलर चूज करेंगे, कौन से कलर से करेंगे। इसी तरीके से हम और ढेर सारे बलून्स बनाएंगे और एक नया एक्सपीरियंस लेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप अपने बचपन में गए, वो यादें ताज़ा हुई, ये भी मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से इसको फुला लेते हैं। वाओ, ये देखिए इतना बड़ा सा हो गया। और ये फट गया है हमारे पास ब्लू और इसको फुलाते हैं, देखते हैं ये फटता है या कंप्लीट होता है। ये 1 रुपए वाला बलून बना है। हमारे टाइम में जब हमारा बचपन था ना तो इतने छोटे बलून 1 रुपए में मिलते थे और जो इसे बड़े होते थे वो 2 रुपए के मिलते थे। तो इसके साथ कौन सा कलर यूज किया जाए, मैं रेड का यूज करती हूँ और फिर इसको बांधते हैं। अगर अभी आए हैं ओ ये फटा है शायद, ये नहीं फूल रहा है, ये फटा है कहीं, इसकी हवा निकल रही है। आया हमारे हाथ में ऑरेंज कलर, ऑरेंज भी बढ़िया ही लगेगा। ये देखिए ये फूल रहा है। अब याद आया आपको कि ऐसा बलून आपने भी बचपन में खेला है, मैंने तो खेला है ऐसे बलून्स के साथ में। और जब मैं इसको फुला रही हूँ ना तो वो यादें ताजा हो रही है। इतना मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसको मोड़ेंगे ना तो उतना छोड़ दिया है इसलिए। पर पहले बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हमने नॉट लगा दी और इधर से ही ऐसे शायद ऐसा ही कुछ बनाते थे वो, हम ट्राई करते हैं। यस, ये पहला स्टेप इसका कंप्लीट। और एक ऐसा राउंड और करते थे, याद आ रहे थे आपको, याद आ रहे तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ये है हमारा तीसरा, कुछ ऐसा ही होता था ना, और ये मैंने बना दिया। वाओ, हालांकि अभी भी कई जगह मार्केट में ऐसा देखने को मिल जाता है पर जब मैं अपने हाथ से बना रही हूँ ना तो बहुत मजा आ रहा है इसको बनाने में। और इसको इस तरीके से इसके साथ टाइप कर देंगे। ये तो सच में वही मार्केट वाला बलून है हमारा। ये देखो, ये हमारे टाइम में 1 रुपए का मिलता था, आज के टाइम में तो ये 10 रुपए का मिलता है मार्केट में। तो कैसा लग रहा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम खुश हो गई। जिस बलून के साथ मैं बचपन में खेलती थी
आज उसको भी अपने हाथों से बना रही हूँ। और जब आप अपने हाथ से कुछ भी करते हैं ना तो उसकी खुशी अलग ही लेवल की होती है। आप मेरी खुशी मेरी बातों के माध्यम से एकदम समझ पा रहे होंगे कि ये रहा हमारा दूसरा बलून प्रिंट में है और इस पे ये क्या बना हुआ है। आई थिंक ये हिरन है या एक कैट है। देगा इसको भी ट्राई करते हैं। ये देखिए इसका प्रिंट। बस इससे बड़ा नहीं फुलाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा फूल गया है क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए ताकि हम इसको बांध सके। तो यहीं पर हम इसको बांध देंगे और इसके लिए एक फुलाते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से याद दिला सकते हैं। ये बलून देखो कितना प्यारा लग रहा है और ये निकल कर एक डॉगी आया है। प्यारा सा ये एक डॉगी है। ये बलून देखो वाओ। लाते हैं ये। और थोड़ी सी जगह इसमें भी रहने देंगे। टाइट हो गया हाथ। ओ ऐसे देख रहे हो। बचपन में मैं देखती थी कि वो कैसे मोड़ते हैं और आज वो चीजें काम आ रही है। हीरे को और एक ऐसे और मोड़ेंगे। ये बन गया हमारा। ये देखिए और जो हमने छोड़ा था इधर कवर हो चुका है वो। तो प्यारा लग रहा है ना ये। वाओ हमारे दो बलून रेडी है। ये 10 रुपए वाला, ये 20 रुपए वाला और हमारे टाइम में ये 1 रुपए वाला और ये 20 रुपए। ये 1 रुपए वाला, ये 2 रुपए वाला। वाओ भाई प्रिंट ये देखो। वाओ ना कितना क्यूट लग रहा है। ऐसे एक और बनाते हैं, एप्पल ट्राई करते हैं। एप्पल कैसे बनेगा इस, तो इसके साथ भी एक और बनाते हैं और एक एप्पल ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। बट ये दोनों ना देख के मैं बहुत ज्यादा बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी एक्साइटेड हूँ। वाह इसका प्रिंट इतना प्यारा लग रहा है और अभी जब इसको इस तरीके से बनाऊंगी तो ये कितना प्यारा लगने वाला है। वाओ यार इसका प्रिंट ही इतना प्यारा है। और इसके साथ में कौन सा कलर लगाते हैं, इसके साथ तो सारे कलर अच्छे लगने वाले। और हमेशा की तरह इतना छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसे मोड़ना है ना इस तरीके से। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और अपने बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हो। वो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि आपने उनके लिए बनाया है ये। और इजी देखिए कितना इजी है। चौथा भी कर सकते हैं क्या, करके देखिए। चौथा भी करके देखते ही है।
एक बार चौथा भी ट्राई करते हैं। ओ रिस्की गेम है। और ये देखिए 4 का सेव बन गया जो बहुत क्यूट भी लग रहा है। ये देखो अब लग रहा है ना क्यूट सा। अब इसको इसमें ऐड करते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओ ओ माय गॉड ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये। आप बताना आपको तीनों में कौन सा प्यारा लग रहा है। देखो 3 बलून है हमारे पास, सबसे प्यारा कौन सा लग रहा है? ये वाला तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ना। अब हम ट्राई करते हैं एक एप्पल सीप। 3 हमारे पास ये वाले हो गए, एक एप्पल सीप ट्राई करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। हमारा रेड और छोटू से एप्पल बनाएंगे। ये हमारा एप्पल। अब इसको इसमें कैसे फंसाओ, इसलिए मैंने ये लगा रखा है। देखते हैं ये कैसे लगेगा। ये हमारा जुगाड़ काम कर गया और ये हमारा एप्पल बन गया। इस तरीके का एप्पल तो शायद मार्केट में भी नहीं मिलता होगा जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है। ये देख रहे हो आप कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारे बलून, ये रहा हमारा एप्पल और जो कि कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो हमारा एप्पल और ये पहला बलून और ये है हमारे सारे बलून। ये कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।